बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार भले ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर मनमाफिक कारोबार करने में असफल रही हो, लेकिन चीन में इसने रिलीज होते ही अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही ताबड़तोड़ कमाई करने वाली सीक्रेट सुपरस्टार ने पहला वीकेंड खत्म होते होते दंगल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन में मात्र 3 दिनों में 174.10 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इसी के साथ इसने दंगल की पहले 3 दिनों की कमाई को पीछे छोड़ दिया। जब दंगल चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तब उसने अपने पहले 3 दिनों में 72.68 करोड़ का कारोबार किया था। ट्रेड की माने तो सीक्रेट सुपरस्टार की चीन में इतनी अच्छी कमाई की बड़ी वजह इस फिल्म को लेकर वहां के दर्शकों के बीच बना माहौल है। फिल्म को चीन में काफी अच्छे रिव्यू मिले हैं। इसके साथ साथ वहां के दर्शक दंगल के बाद आमिर खान की नई फिल्म को देखने के लिए काफी बेताब थे। वेल, देखना दिलचस्प रहेगा कि सीक्रेट सुपरस्टार आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ों का कारोबार करती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।